भारत और अमेरिका का मैच है, ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो एक ऑब्वियस फेवरेट भी है, लेकिन कल सारी कौम हाथ उठा के दुआएं कर रही होगी अल्लाह मियां इंडिया जीत जाए, अल्लाह जीत भी जाएगा वो लगता है, लेकिन पड़ोसी है ना हमारे, पड़ोसी मुल्क है, उसकी जीत हमारी जीत, क्योंकि हम तो जीत नहीं रहे। हमेशा से ये डायलॉग मशहूर है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है, हिंदुस्तान का पाकिस्तान का बाप है। आज हम कहते हैं हाँ आप हमारे पापा हैं, तो पापा जी बचा लीजिए ना, बचा लीजिए पापा जी, सभी फाइनल में पहुंचा दीजिए, आप ही हैं, 15 ओवर में हरा दीजिए सारे यूएसए वालों को। यूएसए ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन यूएसए का बाप इंडिया बैठा है वेट में, वो उसने यूएसए को ऐसा हराना है कि फिर यूएसए सारी जिंदगी याद रखेगा कि हम क्रिकेट तो खेलने आए, लेकिन इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है भाई, इंडिया किसी को नहीं बख्शती। इंडिया टेबल के टॉप पे है, यूएसए दूसरे नंबर पे है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड समझा जा रहा है कि यार यही दो टीमें सुपर एट में जाएंगी। हमारे जो है वो बॉब्सी दी किंग, दी घंटे का किंग का तो घंटा बच चुका हुआ है। या अल्लाह, या कुदरत का निजाम चल जाए, या अल्लाह यूएसए 60 स्कोर से हर देश, या अल्लाह ये ऐसे ही है, ये इसी तरह ही कर सकते हैं पाकिस्तान। वो पहली बात यार, इंडिया कोई बिकाऊ टीम थोड़ी है, और ये पाकिस्तान वाली टीम है जो बिकाउट टीम है। पूरा इज्तिमा पाकिस्तान 24 करोड़ की आवाम सिर्फ एक ही काम करेगी, मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा आएंगे। 25-30 साल से दे रहे हैं, ठीक है, हमने अपने मुंह पे थप्पड़ मारे हैं जिस तरह ये इन्होंने किया। इंडिया के जीतने से पाकिस्तान को फायदा होगा, अगर इंडिया आज के मैच में यूएसए को शिकस्त दे देता है तो पाकिस्तान के लिए सुपर एट में जाने का रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कि पहले हम जिम्बाब्वे से हारे, पिछले T20 में कुदरत का निजाम चल गया था, ठीक है। अब नहीं चलने वाला, हर बार कुदरत का निजाम नहीं चलता होता। इंडिया जो पूरे क्रिकेट की ना बाप है, अच्छा ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे इंग्लैंड है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे वेस्ट इंडीज है, कोई भी टीम है, ना यार क्या हो गया यार, वो यूएसए को बताएगा और पाकिस्तान को भी बताएगा कि ऐसे छोटी टीमों को बीट करते हैं। डरपोक प्लेयर्स बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन पाकिस्तानी टीम में जितने डरपोक प्लेयर्स मैंने देखे ना, यकीन माने मैंने कहीं दुनिया में नहीं देखे हैं। इंडिया का मैच यूएसए के साथ हो, इंडिया कनाडा के साथ हो, इंडिया पाकिस्तान के साथ हो, इंडिया का मैच जहां भी चल रहा है आप मिलियन फॉलोअर्स देखेंगे। पाकिस्तान ने एक मरहला तो अबूर कर लिया कि वर्ल्ड कप में पहली जीत मिल गई, मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्या वेस्ट इंडीज जाने की टिकट लेगा। उस बीच पाकिस्तान टीम के लिए दो रुकावटें हैं, उन दोनों रुकावटों को अबूर करना शायद पाकिस्तान के बस में नहीं, अगर वैसा हो जाए। दोस्तों तो दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत और यूएसए के बीच इस T20 वर्ल्ड कप 2024 के इस दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें भारत की जीत का मतलब एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा इन पाकिस्तानियों को है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले सोच रहे हैं कि अगर भारतीय टीम यूएसए को हरा देती है और पाकिस्तान की टीम आयरलैंड को हरा देती है तो यूएसए की टीम और पाकिस्तान की टीम का मतलब पॉइंट्स बराबर हो जाएगा, और भारतीय टीम अच्छे रन रेट से हराती है अगर मतलब यूएसए को तो हमारा रन रेट ज्यादा हो जाएगा, जिस वजह से हम सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और यूएसए बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान ने एक मरहला तो अबूर कर लिया कि वर्ल्ड कप में पहली जीत मिल गई, मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्या वेस्ट इंडीज जाने की टिकट लेगा। उस बीच पाकिस्तान टीम के लिए दो रुकावटें हैं, उन दोनों रुकावटों को अबूर करना शायद पाकिस्तान के बस में नहीं, अगर वैसा हो जाए, या किसी भी इंसान के बस में नहीं, आप इस तरह से कह लीजिए। पाकिस्तान ने अपना इंपॉर्टेंट मैच जो आयरलैंड के खिलाफ खेलना है, वो मैच पाकिस्तान ने संडे को खेलना है फ्लोरिडा में, उससे पहले आयरलैंड और यूएसए का मैच जिसमें सारा जिसे कहते हैं पंजाबी कटाकटी निकल जाना वो हो जाएगा, वो है फ्राइडे को। मगर दोनों मैच होंगे भी या नहीं होंगे उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है, वो क्यों मैं आपको बताऊंगा। और आज मैच है भारत वर्सेस यूएसए का, आज के मैच को लेकर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भारत ने वन साइड ये मैच जीतना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तरह की भारतीय टीम है वो छोटी टीमों को तो जिनके ना कंगना भी नहीं, कोई इशू नहीं है, बट पॉइंट इज के फ्लोरिडा में मैच जो दो मैचेस हैं जिसके ऊपर डिपेंड करेगा पाकिस्तान का जाना, क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। या अल्लाह, या कुदरत का निजाम चल जाए, या अल्लाह यूएसए 60 स्कोर से हर देश, या अल्लाह ये ऐसे ही है, ये इसी तरह ही कर सकते हैं पाकिस्तान। वो पहली बात यार, इंडिया कोई बिकाऊ टीम थोड़ी है, और ये पाकिस्तान वाली टीम है जो बिकाउट टीम है। कल अगर इंडिया ने बैटिंग कर ली ना, पहले 200 से ऊपर प्लस स्कोर जाना है, ठीक है ना, और इंडिया ने इनको 50-60 पे यूएसए को ढेर कर देना है, फिर यकीन मानो इंडिया वालों ने ना चपेड़ मारनी है। ओए पाकिस्तानी टीमों इस तरह के खुश हो जाओ, इस तरह खेलते हैं, ठीक है, बच्चे आज के बच्चे जो 2 साल पहले टीम बनी थी आज खेल रहे हैं, उनको ऐसे खेलो, इनको मारो ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कल इंडिया का यूएसए के साथ मैच है, पूरे पाकिस्तान की नजर इंडिया के ऊपर, क्या आपको लगता है कि इंडिया यूएसए को हरा पाएगा? मेरी पहले ये बात सुने कि वो इंडिया पाकिस्तान थोड़ा है जो यूएसए से हार जाएगा, यार वो इंडिया एक बड़ी टीम है, यूएसए को इंडिया ने ऑब्वियसली हराना है, क्योंकि उन्होंने ये बताना है कि जिस टीम ने पाकिस्तान को हराया तो उसको बुरे तरीके से उन्होंने शिकायत देनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो हार जाएगा यूएसए से पाकिस्तान का, ताकि पाकिस्तान आगे जाए। भाई इंडिया अनबीटेबल जाएगा, इंडिया नहीं देखेगा सामने कोई टीम है, उनको पाकिस्तान का खौफ ही नहीं है, पाकिस्तान को 9 जून को जिस तरह नेस्त नबूद किया आपके सामने है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट तो बाकी नहीं रही। इंडिया ने अपने दोनों मैच जीते हुए हैं और यूएसए भी अपने दोनों मैच जीत के आ रहा है। इंडिया टेबल के टॉप पे है, यूएसए दूसरे नंबर पे है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड समझा जा रहा है कि यार यही दो टीमें सुपर एट में जाएंगी। हमारे जो है वो बॉब्सी दी किंग, दी घंटे का किंग का तो घंटा बच चुका हुआ है, हम तो वर्ल्ड कप से बाहर है। हम बातें बड़ी कर रहे थे लेकिन हम लोग जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, लेकिन इस टाइम इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच जो कि आज रात खेला जाएगा इंडियन टाइम के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो 7:30 बजे खेला जाएगा। बात यार, इंडिया कोई बिकाऊ टीम थोड़ी है, और ये पाकिस्तान वाली टीम है जो बिकाउट टीम है। मैं यूएसए का कोई पार नहीं है, नहीं है, मैं तो यकीन मानो दिल से दुआ करता हूँ कल इंडिया मैच हार जाए,
पाकिस्तान टीम को किक करके ठुड्डा मार के बाहर निकाले यार, मेरी दुआ है। अपनी मेहनत से आगे नहीं जा रहे भाई, ऐसी इनकी मेहनत है ही नहीं है, इनकी मेहनत कभी ना हुई है ना होनी है ना कभी जिंदगी होनी है, ठीक है ना, ये सिर्फ बिकाऊ टीम है यार। इंडिया तो डेफिनेट बात है कि वन सेट गेम कर दूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान को ये पैगाम दूंगा कि भाई अगर किसी के सर पे जाना है ना तो बेहतर हार के बाहर आ जाओ। इतनी अगर हमें शर्म थी तो खुद जाके दिखाते, खुद जाके आप फाइनल सेमीफाइनल खेलते, पता चलता अपने दम पे गए हो। भाई इंडिया यूएसए की आप क्या बात कर रहे हो, इंडिया तो वन सेट बीट कर देगा आपको। इंडिया कल जैसे आयरलैंड को 100 अंडर 100 आउट किया, कल आपको यूएसए 100 अंडर 100 आउट होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह की बॉलिंग है भाई, बुमराह, सिराज, अर्शदीप अब बला बने हुए, जॉइंट बन गए हैं, वो कच्चे चबाएंगे इन जैसे बैट्समैन को, चाहे जॉन्स हो, पटेल हो, जो भी हो। पाकिस्तान की बॉलिंग थी जिसे वो 159 चेस कर गए, कल यकीन करें कि अगर 100 से ऊपर निकल गई यूएसए की टीम फिर बोलिएगा। अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की, कितना टारगेट नजर आ रहा है आपको इंडिया देगा उनको? यार इतनी गंदी विकेट्स एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यूएसए इतनी गंदी विकेट्स बना देगा, लेकिन फिर भी उन बैट्समैन ने इतनी सलाहियत है कि यार 160-165 कर देंगे। यूएसए की विकेट 160 अगर करना है तो वो 240-45 के बराबर है, ठीक है, ये कोई आम विकेट नहीं चल रही, बहुत टफ विकेट है। और यूएसए जो है बाद में 100 से अंडर आउट हो जाएगा और 60-70 से इजीली इंडिया जीतेगा, और उस जीत का फायदा डेफिनेट पाकिस्तान को होगा। 9 जून के आने से पहले सारे कह रहे थे कि यार पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन इंडिया टीम के सामने आके पाकिस्तान हार गया। और जिस तरह से भी बोल रहे हैं कि जिस तरह से मैच होगा, तो मुझे लगता है कि इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेस्ट है, तो होप है कि इंडिया ही जीतेगा। इंडिया जीतेगा। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो आपको लगता है कि यार सबसे तगड़ा विराट कोहली? विराट कोहली परफॉर्म करेगा, हां मुझे लगता है कि वो बहुत जबरदस्त खेलेगा और इंडियंस लोग फिर खुश हो जाएंगे कि यार फिर इंडिया जीत गया और वर्ल्ड कप वही लेके जाएंगे। जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप में इन्होंने 10-10 मैच लगातार जीते, तो लगता है इस दफा भी, मुझे लगता है अब वो पाकिस्तान को हरा के ना अब वो उन्होंने वो स्पीड पकड़ी है। और अब मैं कल वाले मैच की मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है कि कल वाले मैच में क्या होता है, क्योंकि मैच तो लग पे भी डिपेंड करता है कि लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो सकता है, या तो फिर इंडिया वही कहते हैं ना उनको हरा के जीत जाएगा या कुछ भी हो सकता है। अभी मैं कुछ आप कॉन्फिडेंट हो कि इंडिया जीतेगा? हाँ, लेकिन मैं उनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल हूँ, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि अगली वाली जो टीम है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा गुड, अगर उनकी बैटिंग की बात कर लिया, बॉलिंग की बात कर लो, तो उसमें किसी किस्म का डाउट नहीं है, वो अपना 100% जरूर देती है। बिल्कुल ऐसे बॉलिंग में कौन सा बॉलर आपको लगता है कि यार का, अब मैंने नाम भी लिया आपने बुमराह का नाम, मुझे पता ना क्योंकि मैं देखती रहती हूं, मुझे आइडिया कि कौन सा सबसे बेस्ट है। हमेशा से ये डायलॉग मशहूर है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है, हिंदुस्तान का पाकिस्तान का बाप है। आज हम कहते हैं हाँ आप हमारे पापा हैं, तो पापा जी बचा लीजिए ना, बचा लीजिए पापा जी, सभी फाइनल में पहुंचा दीजिए, आप ही हैं, 15 ओवर में हरा दीजिए सारे यूएसए वालों को, अंग्रेजों को है वो तो अंग्रेज है, लेकिन हम तो आप ही के अपने नए पड़ोसी हैं, थोड़ा सा देख लो पापा हो हमारे कोई तो। देखो अब यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति ही ऐसी बन गई, स्थिति को ऐसे ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, स्थिति ऐसी बन गई कि अब पाकिस्तान को हिंदुस्तान की जरूरत पड़ गई है और अब हिंदुस्तान को जीतना पड़ेगा, और हिंदुस्तान से ज्यादा इस बात की पाकिस्तान को जरूरत है कि हिंदुस्तान जीते, बिकॉज यूएसए अगर एक भी मैच और जीत जाता है तो वर्ल्ड कप से बाहर। और कल अगर मैं आपको बता दूं, जैसे वैसे तो होने नहीं वाला, मगर कल मैं आपको बता दूं अगर हिंदुस्तान कल हार गया ना तो तब भी वहां पर जश्न मनाया जाएगा, तब भी, क्योंकि पाकिस्तान ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा, हिंदुस्तान बोलेगा हम तो सुपर एट में वैसे ही जा रहे हैं, हार गए तो क्या हुआ, लेकिन इन भिखारियों को हमने नहीं लेके जाना। लेकिन भाई ऐसा मत करना, देखो आप लोग का बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आप लोगों ने हमें लेके जाना है, क्योंकि पापा है आप हमारे, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ, तो पूरा पाकिस्तान मिलकर आज एक ही गाना गाएगा, मेरे अबू आएंगे, मेरे अबू आएंगे, मेरे अबू आएंगे, मेरे अबू आएंगे, इंडिया क्या मेरा अबू है, हराएगा वो यूएस को। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में भारत और यूएसए मैच को लेकर काफी ज्यादा खौफ, मतलब डरे हुए हैं लोग कि कहीं भारत यूएसए से हार ना जाए, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन है उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि भारतीय टीम यूएसए से हारेगी। लेकिन यूएसए का कॉन्फिडेंस कितना हाई है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कनाडा और पाकिस्तान जैसी टीम को हरा कर आई है, तो इनका भी मोरल काफी ज्यादा हाई है, लेकिन भारत से कंपेयर किया जाए तो इनसे मतलब काफी डाउन है। लेकिन आपको बता दें कि ये मैच न्यूयॉर्क में होगा जो कि नासाउ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंटी में होगा, मतलब होगा वहां पर ऐसी पिच बिहेव करती है जहां पर बड़ी बड़ी टीमें ध्वस्त होती हुई नजर आई हैं, तो कुछ भी उलट फेर हो सकता है। लेकिन इन पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत आज मतलब यूएसए को बुरी तरीके से हराएगा, तभी हमारा कुछ मतलब फायदा होगा कि हम मतलब आगे सुपर एट के लिए जा सकते हैं, नहीं तो अगर आज यूएसए जीत जाती है तो इन पाकिस्तानियों का पूरी तरीके से पत्ता साफ हो जाएगा, जो कि ये पाकिस्तान वाले अभी से दुआ करना शुरू कर दिए हैं कि भारत मतलब जीत जाए, क्योंकि जिस तरह से भारत की फॉर्म है उसको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि भारतीय टीम हारेगी। लेकिन इन पाकिस्तानियों की दुआएं कबूल होगी और भारत यूएसए को जरूर हराएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम सुपर एट के लिए क्वालिफाई करे और वहां पर बुरी तरीके से हारे, जिस वजह से इन पाकिस्तानियों को पता चला कि इनकी टीम की औकात क्या है और ये पाकिस्तान टीम डिजर्व नहीं करती है टी20
टी20 वर्ल्ड कप जीतने की। सुपर 8 में तो जाने के लिए पहली बार डिजर्व नहीं करती, लेकिन आज पहली बार सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को सुपर 8 में जाने की, क्योंकि आगे मैच में एक्साइटमेंट रहेगी। नहीं तो ये पाकिस्तान वाले बाहर हो जाएंगे तो बुरी तरीके से मतलब कुछ मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले जब रहते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं और इधर उधर की मतलब छोटी बड़ी टीमों से हारते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।